तो बस एक क्विक सा हम जा रहे हैं, दैट इज यरकुट। फाइनली हेयरपिन बिन स्टार्ट हो गई, पहुंच गए हम लोग यरकुट। अभी निकले हैं एक जगह पे लंच के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है। अभी हम जा रहे हैं एक जगह है, वहां से काफी अच्छी सनसेट दिखती है। Hey, good morning everyone and welcome back to Abhi Travel। हमें ना बहुत आराम से जा रहा था। Yes, तो अभी फिर से एक वीकेंड है। It's not like a typical weekend, Friday, Saturday। Correct। ठीक है, तो बस एक क्विक सा हम जा रहे हैं गेटवे नियर बैंगलोरू, दैट इज यरकुट। यस, काफी पास है यहाँ से, जस्ट 218 किलोमीटर, 4 घंटे के आसपास लगनी चाहिए। राइट। वही सेलम होके जानी होती है, तो मस्त है। छोटी सी हिल स्टेशन है, एकदम शांत वाली। यस, नॉट वेरी क्राउडेड, नथिंग। हम पहले जा चुके हैं, बट पहले मतलब बहुत पहले, एटलीस्ट 3-4 साल, 4-5 साल, काफी समय हो गया। हाँ, तो कोई ना, चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी 8 के आसपास बज रहे हैं, तो ETA 12:30 का है, तो लेट्स सी कितना क्या टाइम लगता है। यप, है ना, चलो। टोल को ऐसे कभी नहीं देखा होगा जी। पहुंच गए हम फाइनली कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर, द फेमस अट्टीबल्ले टोल, और उसके हिसाब से आज कुछ भी उसके लक्षण नहीं है। जितना समय वहाँ पे वेस्ट करे थे, ये सारा इधर कवर हो गया जी। आज इधर तक पहुंचने में काफी ट्रैफिक थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो कोई ना, अभी बस क्रॉस करने के बाद ही आ जाएगी होसूर, तमिलनाडु बॉर्डर। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट बड़ी जगह। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, कृष्णगिरी क्रॉस करने के बाद फिर कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। आई थिंक नॉट कृष्णगिरी क्रॉस करने के बाद, उसके पहले ही वो बड्डी वाली ATV जो हमने लास्ट टाइम दिखाए थे वलपराई के ब्लॉग में, उसी में रुकेंगे आज, क्योंकि लास्ट टाइम जो रुके थे दैट वॉज वेरी एवरेज। बस अभी यहाँ से तो होपफुली रास्ता थोड़ा सा खाली रहे, तो भागते हैं, है ना। ऑलमोस्ट आ गए हम अपने ATV के पास, बस थोड़ा सा आगे जाके ही लेफ्ट साइड में है। उसके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली, जिसको जहाँ पे जाना हो। वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस। हाँ, काफी ह्यूज वाला सेटअप है। सो ये है इसका, यहाँ पे काफी सारे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। तो चलो अंदर चलते हैं, फिर ऑटो शॉटो करते हैं। एंड ये अपना मसाला डोसा, समय का अभी तक बाकी है। ये है ना उपमा। भाई साहब खान पान जाली करके आ गए हम लोग। यस, थोड़ी सी ऑब्वियसली काफी रश थी अंदर, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था इसलिए, बट हाँ इट्स गुड। तो मस्त, अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से 163 किलोमीटर 3 घंटे के आसपास। तो अभी ETA 110 हो गई है, तो लेट्स सी, है ना, चलो निकलते हैं, फिर मिलेंगे रास्ते में। So we have reached Dharampuri. Yeah. बहुत देर हो गए हमने, चलो ब्रेकफास्ट के बाद से तो मिले नहीं है। चलो मिल तो लेते हैं एक बार बीच-बीच में, है ना। एक्चुअली अभी तो इसी रास्ते से गए थे वलपराई। यस, इसलिए ऐसा लग रहा है क्या रास्ते का और शूट करेंगे। अब जब कट लेंगे ना सेलम के बाद से, उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको वो इंटरेस्टिंग वाली हैपन बेन स्टार्ट होगी। इसमें भी है लाइक वलपराई, तो मस्त रहती है वो वाली, क्योंकि रास्ता तो काफी अच्छी थी। नॉट श्योर अभी क्या हाल है, बट हाँ अर्लियर इट यूज्ड टू बी गुड।
तो कोई ना, बस अभी हम धर्मपुरी पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से 100 किलोमीटर टू गो टिल आवर रिसॉर्ट एंड 2 घंटे के आसपास दिखा रहा है. तो मस्त है, रास्ता खाली है, मोस्टली खाली है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो इट्स नॉर्मल चीज है. जितना बेंगलुरु के शुरू में लगी थी बस, दैट्स इट. हां दैट्स इट. उसके बाद इट्स ओपन, आराम से जा पा रहे हैं. हां तो मस्त, बिच्छू 14.5 का माइलेज दे रही है फिलहाल. बिच्छू तो फिलहाल अपने ही धुन में है. हां वो अच्छा माइलेज खींच रही है, मतलब हमारा इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था उससे. हाँ, क्योंकि हाईवेज में स्पीड अच्छी है और डाउन साउथ में क्रॉसविंड काफी होती है, तो उसमें गिरती बहुत है. बट इन कंपैरिजन इट्स डूइंग फैबुलसली वेल. तो बस चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार सेलम पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से. yep. है ना? सो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए सेलम. अभी यहाँ से हमें लेफ्ट लेनी है जस्ट 6.5 किलोमीटर में. उसके बाद लेते ही थोड़ा सा जाते ही फिर शुरू हो जाएगी घाट या पिन बैंड वाला रास्ता, जो बढ़िया जबरदस्त रहती है एकदम. काफी सनिक होती है, काफी सनिक होती है. तो बस, और यहाँ से होटल तक टोटल 54 किलोमीटर एंड 1.5 घंटे के आसपास. तो मस्त. तो ये सेलम सिटी थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद ये ले रहे हैं हम लेफ्ट, ग्रैंड एस्टेंसिया जो भी है उसका नाम, एस्टेंसिया होटल के सामने से थोड़ा सा आगे जाके फिर लेना है बाईपास रोड. तो यहाँ से कुछ 33 किलोमीटर है 1 घंटे के आसपास. फाइनली हेयरपिन बेंड स्टार्ट हो गई. एक हो है अभी तक. हम चढ़ना शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ कुछ टिकट्स है, टोल गेट 80 रुपए गाड़ी के लिए. 50 ओनली ले लो. ओके सो 50 रुपीस का टोल है, एंट्री फी काइंड ऑफ. के अंदर यस, मौसम तो अभी पता नहीं पड़ रही है, बाहर 36 डिग्री है, हम तो अंदर चिल करके फिलहाल चल रहे हैं. तो ऊपर देखते हैं, होपफुली ऊपर अच्छी रहे. हाँ होनी चाहिए नॉर्मली. नॉर्मली तो यहाँ से हमने लगाया है होटल तक विच इज काइंड ऑफ 23 किलोमीटर, 1/2 घंटे के आसपास ही है. बस चढ़ते हैं अभी धीरे धीरे. सामने कोई मंदिर है, मंदिर है इधर का. अभी फ्रूट्स भी बेच रहे थे, फ्रूट कुछ वाले. हाँ. तो अभी हम हेयरपिन बेंड्स नंबर 13, 7 मोर टू गो. पहुंच गए हम लोग यरकुट ऑलमोस्ट. तो यहाँ से अपना होटल और हार्डली 10-15 मिनट अभी आगे जाके ही राइट साइड में यरकुट लेक आएगी. तो साइट सीन एंड ऑल वो जो है वो सब हम कल करेंगे. हाँ. कल सुबह पूरा फर्स्ट हब अपने पास टाइम है, साइट सीन वाइट सीन करके फिर बेंगलुरु के लिए निकलेंगे. तो मस्त है, अभी बस यहाँ से होते हुए अपना होटल पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं, है ना? वाओ, अगेन एकदम थोड़ा सा आइसोलेटेड जंगल के अंदर आ गए हम. लश ग्रीन. तो ये जो रिसॉर्ट हमने बुक किया है इसका नाम है संबाला रिसॉर्ट. गूगल में देखा, अच्छा रिव्यू है, हमने सोचा लेट्स ट्राई. अरे यार, इतना हॉर्न बजाने के बाद भी क्या प्रॉब्लम है यार हॉर्न बजाने में, सीरियसली.
तो एनीवे यहाँ से अपना 2.5 किलोमीटर 6 मिनट के आसपास इधर काफी सारे और रिसॉर्ट्स दिख रहे हैं। ये रास्ते में रिसॉर्ट्स भरे हैं काफी है। हाँ मेजॉरिटी ऑफ देम। तो ये भी कोई एक कॉफी प्लांटेशन के अंदर है तो होपफुली अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो चलो एकदम रिसॉर्ट के सामने पहुंचते हैं फिर मिलते हैं। यस सो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम हमारे रिसॉर्ट के पास। लुक्स प्रिटी गुड स्पेशली एरिया काफी सनिक है तो आई थिंक यहीं से अंदर जाने का होगा। हाँ ये राइट संभाला। बाहर से तो फिलहाल इम्प्रेशन काफी सही है है ना? Yep, absolutely. Yes. तो मस्त हम चेक-इन वेक-इन करते हैं। अब चेक-इन सर? हाँ जी। तो ये पहुंच गए हम। भैया हमारे लगेज ले रहे हैं। यहाँ से फिर हम रिसेप्शन की तरफ जाएंगे फिर चेक-इन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो गाड़ी में हमारे लगेज थमा दिया हमने। अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। जगह तो काफी सही लग रही है ना? ओके सो चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हमने। अभी बस जा रहे अपने रूम की तरफ। उधर बिच्छू हाँ बिच्छू उधर पीछे पार्क है। तो मस्त इन्होंने अपने रिसॉर्ट का एक्सप्लेन किया एंड ऑल यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है एवरीथिंग। तो चलो एक बार रूम पे पहुँचते हैं फिर आप लोगों को रूम का रिसॉर्ट का दोनों का टूर करवाएंगे अच्छे से। ओके तो पहुँच गए हमारे कॉटेज की तरफ। अभी बस जा रहे हैं। मैं प्रेमी के दरो हाँ हाँ तो भाई सब पहुंच गए। जबरदस्त जगह है एकदम। मतलब जगह पे पहुंचे ऐसा लगता है कि you have arrived। Yes। है ना? जंगल के पूरा कॉफी प्लांटेशन के अंदर छोटे छोटे कॉटेज बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में आई थिंक 2-3 रूम है एटलीस्ट। हमारा जो अभी हमें दिया है वो सबसे ऊपर दैट इज द इंडिविजुअल। हां आप लोगों को दिखाते हैं सराउंडिंग। तो इसका नाम है जैसे हमने बोला संबाला रिसॉर्ट। यरकोड लेक से काफ़ी पास है ये और इसके लिए हमने पे किया 7K इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ठीक है एक रात का। तो मस्त है। चलो आप लोगों को अभी रूम का टूर करवाते हैं सराउंडिंग का टूर करवाते हैं फिर जब बाहर जाएंगे तब रिसॉर्ट का थोड़ा सा करवा देंगे। यस सो ये है सामने और एक कॉटेज and this is the surrounding guys and ye hai hamare room ka entrance pretty big room very good mast room hai chalo ab dekho abhi room ka andar ye hai room pura and fully ventilated चारों तरफ खुली हुई। सो यहाँ पे टेबल वेबल है जो हमारे सामान वामान थोड़े से रखे हुए हैं। इधर कपबोर्ड है इधर सोफा एंड सिट आउट वाला है एंड दिस इज द वॉशरूम विच इज अगेन प्रिटी नीट एंड क्लीन। दिस इज द शावर एरिया
सामिया घूम रहा है। कैसा लगा? काफी सही है यार, है ना? मस्त, बढ़िया लग रही है जगह। तो हम लोग थोड़ी देर से ही आराम आराम करके अभी निकले हैं एक जगह पे लंच के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है, उसके बारे में डिटेल्स हम वहाँ पे आपको पहुँच के दिखाते हैं एंड बताते हैं। उसके बहुत अच्छे रिव्यूज हमने गूगल में पढ़े हैं। उसका नाम है स्पिट रस्कल। तो बट उसके खाने का प्रोसेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग एंड अलग सी है। काफी अलग है, काफी अलग है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ। यस। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। यप। One more time. Roll. Yes. Perfect. So, आप लोगों ने जगह देखा, इट्स ब्यूटिफुल। थोड़ा सा और हम घूम के दिखाएंगे। बट इस जगह की जो खासियत है वो ये है कि आप जस्ट रैंडमली वॉक इन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू प्री बुक एंड प्री ऑर्डर योर फूड एंड प्री बुक योर सीट एंड गो बाय दिस। बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल वुमन देयर इज अ ट्रबलसम वुमन, राइट? इग्नोर हिम। ओह भाई साहब, खा पी के आ गए हम लोग। हाँ। अभी चलते हुए जा रहे हैं अपने कॉटेज की तरफ। यस। बिच्छू अपने जगह पे लग गई है। यप। अभी और हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लिया है, चलो थोड़ा चल लेते हैं। इतना जो ठूसा है ना, थोड़ा सा हजम कर लेते हैं। यस। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड थी तो चल के आने में, ऑब्वियसली ये वो रोड है जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है। यस, पीछे वाला शॉर्टकट है। ये वाले ये एकदम पार्किंग में जाके निकलती है। ऑब्वियसली शॉर्टकट लिया है। तो कोई ना, चलो रूम की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। यप। ओके, सो लाइट कर दे, धीरे करो करो। हां हां अभी ठीक है। हां बोलो। वेंटिलेटर। वेंटिलेटर, यस। तो हम लोग आके थोड़ा सा आराम आराम कर रहे थे। हाँ। करके अभी हम जा रहे हैं एक जगह है लेडीज सीट करके। वहाँ से काफी अच्छी सनसेट दिखती है, ऐसा हमने सुना लोगों का रिव्यू में। तो चलो चलते हैं, हम भी देखते हैं। पौने छः के आसपास बज रहे हैं, यहाँ से 15 मिनट तो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो होपफुली, क्योंकि आसमान एकदम साफ है, क्लियर है, तो अच्छी सनसेट तो दिखनी चाहिए। yes. तो मस्त, चलो एकदम उसके सामने पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं। पीछे का व्यू दिख रहा है, एकदम ब्लोन आउट है ना। बट दिखा दे आपको, सही क्लिप दिखा दे। हां, बहुत सुंदर जगह है। सनसेट के टाइम पे तो मस्ट मस्ट एकदम आ जाओ। गुड वन। जैसे जैसे बादल हो गए, बीच में जहां गैप हो गए, वहां से एकदम बीम्स आ रही है। अमेजिंग, अमेजिंग है ना। यस। ये हमारे पीछे का व्यू, माय गॉड, पूरा बादल से ढक गया है। हाँ। तो हल्का सूरज अपना यहाँ पे ना। हाँ। हल्की सी सूरज थोड़ी सी दिख रही है। हाँ, लुक्स गुड है ना। मस्त जगह है, मस्त जगह है। मस्त सनराइज या सनसेट किसी में भी आप आओ तो आ जाओ, है ना। बढ़िया पॉइंट है, सनसेट के लिए तो इट्स अमेजिंग। यस, आना चाहिए।
तो कोई ना, अभी बस हम निकलते हैं होटल की तरफ, चलते हैं। चलो भाग भाग के आ गए हम, गाड़ी में भागी स्टार्ट हो गई। हाँ, हल्के फुल्के भीग भी गए है ना। यस, तो अंधेरा हो चुका एकदम, जब से अंधेरा हो गई मतलब विदिन सेकंड्स। हाँ, विदिन मतलब हार्डली। हाँ, है ना, हार्डली कुछ टाइम में पट से अंधेरा हो गई। तो कोई ना, आज तो और कोई प्लान नहीं था, बस हम अभी रिसोर्ट वापस चलेंगे, है ना। हाँ, फिर वापस जाके फिर मिलते हैं। यो, चलो चलो। हाँ तो भाई साहब, घूम करके आने के बाद है ना, फैल गए थे हम थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा फैलना तो बनता था कि सुबह भी जल्दी उठे थे। हाँ, और दिन भर दो तीन बार आए फिर गए, फिर आए फिर गए, है ना। काफी सारा आना जाना हुआ। हाँ, तो कोई ना, डिनर तो हमने रिसोर्ट में ही मंगवा लिया आज, और सोचे थे पहले कि बाहर जाएंगे फिर। हाँ, और बारिश शुरू हो गई फिर, और तो कहीं जाने का मन नहीं हुआ। आपने देखा है बारिश हो रही थी, और क्योंकि ये आने के लिए थोड़ा सा दूर भी है, तो right. ठीक है, यहीं पे मंगा लिया, यहीं खाएंगे, है ना, यहीं खाएंगे। सो ये है हमारे चिकन टिक्का, एंड दिस इज चिकन बिरयानी, एंड ये एक पुडिंग। तो कुछ नहीं, आज का ब्लॉग तो बस यहीं पे ख़त्म करेंगे। हाँ, है ना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे एक बहुत बड़ा सीरीज आने वाला है। यस yes. बहुत जल्दी, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ऑलरेडी हम शायद रास्ते पे होंगे उसके लिए, है ना। हाँ, उसके बारे में कल बात करेंगे। yes. कल एयरपोर्ट के दो तीन पॉइंट्स कुछ देखेंगे फिर बैंगलोर वापस जाएंगे, और नेक्स्ट क्या एक्साइटिंग आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। yes. तो चलो, मिलते हैं कल। yeah.